सर आप तहसील परिसर में जो उपस्थित हैं, आप किस कारण उपस्थित हैं? सर हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग काशीराम कॉलोनी के रहने वाले हैं और हम लोग अपनी समस्याओं से पिछले कम से कम 5 वर्ष से जूझ रहे हैं। कई बार हम लोगों ने यहाँ पर शिकायत करी है, मंगल दिवस में भी आला अधिकारियों को बता चुके हैं। हमारी समस्याएं इतनी कठिन है कि हम लोग जिस प्रकार से जी रहे हैं काशीराम कॉलोनी में, अगर आम आदमी वहाँ पर कोई भी जाएगा तो सांस लेना दूभर है। हमारी काशीराम कॉलोनी में कोई प्रकार की सफाई का इंतजाम नहीं है, लाइट पानी का इंतजाम नहीं है और न ही हमारे यहाँ लेटरिन साफ होती है। लेटरिन के टैंक हमारे भरे भरे पड़े हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदबू है वहाँ पे। आज हम लोग माननीय SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को के नाम से और जिलाधिकारी के नाम से हम ज्ञापन दे रहे हैं कि अगर हमारी कॉलोनी चुनाव से पहले नगर पालिका राड की हैंडओवर नहीं होती है या हमारी लाइट की समस्याएं दूर नहीं होती हैं, साफ सफाई की समस्याएं दूर नहीं होती हैं। हमारे यहाँ पहले काशीराम कॉलोनी में राशन मिलता था, जो वितरण होता था उसको बस्ती में 6 जगह डिवाइस कर दिया गया है, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। बस्ती में जाते हैं, कभी नेट आता है, कभी नहीं आता है, किराया भाड़ा बहुत लगता है। हम लोग ये समस्याएं हैं, अगर सरकार हमारी समस्याएं ये चुनाव से पहले पूर्ण करती है और हमारी कॉलोनी नगर पालिका के हैंडओवर करती है तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। अन्यथा हम सभी लोगों का यही है, एक मत है पूरी काशीराम कॉलोनी में कि हम लोग किसी भी प्रकार के चुनाव में सहयोग नहीं करेंगे और हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारी समस्याएं दूर नहीं होती हैं तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, ना ही किसी नेता से मिलेंगे, ना हम बात करेंगे। जैसा कि सर आपने अभी ज्ञापन दिया FDM साहब को, तो FDM साहब ने क्या बोला? अभी साहब ने यही बोला है कि हम आपकी शिकायतों को ऊपर भिजवाएंगे और आपकी जो समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, जबकि पिछली बार जो पांडी जिलाधिकारी थे उन्होंने तुरंत ही काशीराम कॉलोनी को नगर पालिका के हैंड ओवर करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक वो बातें सब खोखले हुए हैं, आदेश हुए काम कुछ नहीं हुआ। हम लोग यही मांगे कि हमारी काशीराम कॉलोनी को राज नगर पालिका में हैंड ओवर कर दिया जाए। डूडा कार्यालय वालों का अभी आदि है, कोई देखता नहीं, जब समाजवादी सरकार गई है तब से लेकर अभी तक हम लोग कितने परेशान हैं कि क्या बताया जाए आपसे। लोग आते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर अध्यक्ष का हो, चाहे सभासदों का, वो सिर्फ मांगने आते हैं नेता। इसके बाद कोई हमारी सुध नहीं लेता, चाहे हम नेताओं के पास जाएं, हम चाहे हम किसी अधिकारी के पास, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम माननीय योगी जी से यही मांग करते हैं कि हमारी समस्या को दूर किया जाए, वरना हम सब लोग एक साथ चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई भी हम चुनाव में वोट नहीं देंगे किसी प्रकार का। जो आप सब लोग यही मांग है कि हमारी समस्या दूर किया, वरना हम लोग सब चुनाव का बहिष्कार करते हैं। सर अंतिम सवाल पूछेंगे कि जो आपके काशीराम कॉलोनी जो विभिन्न समस्याएं हैं उससे, वो समस्या कब से लगभग? ये पिछली सपा सरकार से लेके अभी तक कंटिन्यू चली आ रही है। सपा सरकार में भी हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार शिकायत किए थे, लेकिन इसका कोई भी निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम ये दो साल ये सरकार हो गई, पाँच साल है सपा सरकार को हो गई है। हम लोग 6 से 7 साल से परेशान है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग सभी लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं हमारी समस्या नहीं तो हम लोग चुनाव बहिष्कार करते हैं। कोई भी काशीराम कॉलोनी का बंदा वोट डालने नहीं जाएगा, संपूर्ण चुनाव बहिष्कार हम लोग करते हैं। अगर हमारे